दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जिसने हाल ही में एक नया मोबाइल फ़ोन लिया है और वो अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने बताया कि यार मैं अपने नए मोबाइल से भी बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने उसे बताया ऐसा क्या हुआ यार, तो उसने बोला कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो लगभग 5000 mAh की बैटरी वाला मैंने लिया था ताकि ये 1 से 2 दिन चले, लेकिन ये यार सुबह चार्ज करता हूँ, शाम होते होते पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मुझे समझ में आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने उसे बताया कि देखो यार, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, आपके मोबाइल में कुछ ऐसे फीचर्स दिए होते हैं जिस फीचर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका नया मोबाइल फ़ोन हो या फिर पुराना, वो दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स के बैटरी बैकअप काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। तो उसने मुझसे पूछा ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं, मुझे भी बताओ। तो मैंने उसे तो बता दिया, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको भी बताता हूँ ताकि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को इंप्रूव कर सको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नंबर पे फ्रेंड आता है मोबाइल फ़ोन के चार्ज करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को मैंने देखा है लोग अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल डंप हो जाता है, यानी जब उनका मोबाइल फ़ोन की बैटरी परसेंटेज जो है वो 2, 3, 4 बचती है उस समय वो अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं दोस्तों जो अपने मोबाइल फ़ोन को रेगुलर बेसिस पे चार्जिंग पे लगाए ही रहते हैं। और तीसरे वो लोग आते हैं दोस्तों जो अपने मोबाइल फ़ोन को ओवर द नाइट चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर के लोगों की बात करेंगे। जो लोग दोस्तों, जब भी आपका मोबाइल परसेंट 20 से नीचे आता है, यानी जब आप 10-15 या फिर 8-7-6-2-3-4% पे जब आप अपने मोबाइल को यूज करते हो, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके मोबाइल का जो बैटरी होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके वजह से फ्रेंड, वो जैसे होता है ना कि लास्ट टाइम पे जब बैटरी बिल्कुल चूस गई होती है, उस समय अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इशू आएगा, यानी आपके बैटरी हेल्थ खराब होने लगती है। तो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आपका मोबाइल फ़ोन जब 20% से ऊपर हो उसी समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों वो लगाते हैं जो रेगुलर अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाए रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में होते हैं या फिर घर पे होते हैं, तो हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करके और वो गेम खेलेंगे, वीडियो देखेंगे या मोबाइल को यूज करेंगे, लेकिन हमेशा मोबाइल उनका चार्ज होता रहेगा। उन्हें लगता है कि हमारा मोबाइल 100% चार्ज होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हो और एट द टाइम आप उसे यूज भी कर रहे होते हो, तो वो बैटरी चार्ज भी हो रही होती है और डिस्चार्ज भी हो रही होती है, चार्ज भी हो रही होती है और डिस्चार्ज भी होती है। इसकी वजह से फ्रेंड, बैटरी का जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से आपकी बैटरी बैकअप कम होने लगती है। और तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो कि ओवर द नाइट अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं। यहाँ दोस्तों, आपका मोबाइल फ़ोन अगर आपने ओवर द नाइट चार्ज करने के लिए छोड़ दिया है तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ब्लास्ट नहीं होने वाला है, इससे निश्चिंत रहिए। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर आपके बैटरी पे कुछ इश्यूज आते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन गर्म होने लगते हैं और उसकी बैटरी भी गर्म होती है, जिसके वजह से डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और सही तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों कुछ फीचर्स के जो आपके मोबाइल फ़ोन में दिया हुआ है, जिसमें से आता है दोस्तों बैटरी का सेविंग फीचर एक आता है, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो लो पावर फीचर आता है, लो पावर सेविंग करके एक फीचर आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस फीचर्स का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। जब भी आपका मोबाइल फ़ोन 20-30% के करीब पहुँच जाए और अगर आपको लगे कि आपको अभी मोबाइल फ़ोन काफ़ी देर तक आपको चार्जिंग करने की कोई सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है, उस समय आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने मोबाइल को एक लॉन्ग टाइम तक ऑन रख सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस वाले फीचर का इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन का जब आप नोटिफिकेशन पहले नीचे करोगे तो वहां पे ब्राइटनेस की एक स्केल दी होती है, उस स्केल पे राइट साइड में आप देखोगे तो वहां पे ऑटो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिया होता है। आपको हमेशा दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन ऑन रखना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड, जब जब आप अंधेरे या फिर उजाले में जाते हो तो आपका जो स्क्रीन का जो लाइट होता है वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करता है। इससे दो फायदा होता है, पहला ये कि इससे आपकी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, और दूसरा ये फ्रेंड कि इससे आपके बैटरी बहुत ज्यादा बच। अब अगला टिप आता है दोस्तों, आपको अपना मोबाइल फोन या वाईफाई डेटा आपको ऑफ रखना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड, अगर आपने वाईफाई ऑन कर रखा है तो वाईफाई का काम होता है वो हर थोड़े देर बाद आपके लोकेशन पे वाईफाई को रिफ्रेश करता है कि कोई नया वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं। इसमें जरूर आपका कुछ ना कुछ बैटरी परसेंटेज यूज होता है। दूसरे नंबर दोस्तों, अगर आप हमेशा मोबाइल डेटा ऑन रखोगे तो डेफिनेटली मोबाइल से अगर मोबाइल डेटा जो है वो सर्वर से कनेक्ट होता रहेगा और उसके वजह से आपका कुछ बैटरी परसेंटेज कम होगा, यानी बैटरी यूज होगा। और तीसरे नंबर पर अगर आप लोकेशन ट्रैकिंग ऑन रखोगे दोस्तों तो हमेशा आपका GPS जो है वो चालू मोड में रहेगा और उसके वजह से आपका बैटरी कंजप्शन बढ़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। और फ्रेंड, सबसे लास्ट जो हमारा टिप है वो है डार्क मोड को यूज करने का। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन्स में डार्क मोड का एक ऑप्शन मिलता है, जिसको आप अगर यूज कर लेते हो तो आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है जहाँ जहाँ पर
वाइट स्क्रीन होती है वो पूरी की पूरी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आपका जो बैकग्राउंड इमेज वॉलपेपर होता है वो भी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी आप उसे यूज करोगे, कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे, तो वहाँ पर आपको कुछ डार्क मोड देखने को मिल जाएगा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो पिक्सल्स होते हैं डिस्प्ले के, वो पिक्सल्स हमेशा जलते नहीं है। डार्क मोड मतलब पिक्सल ऑफ होगा और वाइट मोड मतलब पिक्सल ब्राइट रहेगा, यानी पिक्सल जलेगा। जब जलेगा तो बैटरी को यूज करेगा, और जब ऑफ रहेगा तो बैटरी आपकी कम यूज होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप डार्क मोड यूज करते हो तो डेफिनेटली आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कम यूज होती है, इसकी वजह से आपका बैटरी का जो लाइफ टाइम है, बैटरी का जो बैकअप है, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज आता है। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बीच में कम से कम 50 बाइक और ये कार वगैरह निकलती रहती है मेरे घर के बगल से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बार बार कितना कट लगाऊँ यार, मुझे समझ नहीं आता, फ्लो भी टूट जाता है। लेकिन खैर चलिए, आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में यही था। अगर आपको अच्छा लगे ये सारे टिप्स और ट्रिक, तो डेफिनेटली इसको इस्तेमाल कीजिएगा, और बताइएगा नीचे कमेंट में क्या आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हुआ या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।